नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा ट्रिपल सेजवान राइस कैसे बनाएं। तो दोस्तों, उसके लिए क्या सामग्री लगेगी वो मैं बताता हूँ आपको। एक कटोरी जो है बासमती राइस चाहिए बॉयल, इसके अलावा हमें थोड़े से नूडल्स चाहिए, और ये सेजवान सॉस है जो मैं पहले बताया हूँ कि कैसे बनाना है। तो अगर आप नहीं जानते कि कैसे बनता है तो आप पीछे के वीडियो में जाके आप देखिए तो आपको पता चलेगा। तो ये है सेजवान सॉस, और इसके अलावा हमें चाहिए थोड़ी सी ब्लैक पेपर चाहिए, इसके अलावा हमें भाजी चाहिए थोड़ी, ये देखिए, सॉल्ट चाहिए, अदरक चाहिए, थोड़ा लहसुन चाहिए, थोड़ा प्याज चाहिए, और थोड़ा सा जो है हमें पत्ता गोभी चाहिए, और इसके अलावा शिमला मिर्च चाहिए। आइए सबसे पहले हम डालते हैं तेल, हम कढ़ाई में लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, तो हम ले चुके हैं ये तेल। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक, डालेंगे थोड़ा सा, ये देखिए, इसका थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑनियन डालेंगे, और जो है पत्ता गोभी डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा हमें इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। दोस्तों, आप चाहे तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। इसको भून लेंगे आप। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे सोया सॉस डालेंगे, और विनेगर डालेंगे, और टमाटर सॉस डालेंगे, और काली मिर्च डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, और आधा चम्मच करीब हमें अजीनोमोटो चाहिए। तो ये तैयार हो गया। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो है राइस है, बासमती राइस, हम उसको डालेंगे। चलो हमारा नूडल है वो डालेंगे, तो दोस्तों इसमें हमें जो है नूडल डाला वो बॉइल किया हुआ है। तो जिन लोगों को नहीं मालूम है कैसे बॉइल करते हैं तो मेरे वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं। अब इसमें हम हमारा जो है काली मिर्च डालेंगे दो चुटकी के आसपास, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे दो चुटकी के आसपास अजीनोमोटो डालेंगे, इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा ये जो सॉस है जो हमने बनाया है सेजवान सॉस वो डालेंगे, मिक्स करेंगे इसको। और इसमें जो हमारा जो है टमाटर सॉस डालेंगे आधा चम्मच के आसपास, विनेगर डालेंगे आधा चम्मच के आसपास, और ये सोया सॉस डालेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। दोस्तों ये देखिए, ये चिकन है, तो अभी हम इसका जो है चिकन पकौड़ा बनाएंगे, क्योंकि हम ट्रिपल सेजवान राइस बना रहे हैं। तो आइए इसका कैसे पकौड़ा बनाते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। तो इसको मैं इसमें जो है एक चम्मच मैदा डालना है, और एक चम्मच जो है हमें मक्के का आटा डालना है, और थोड़ा सा इसमें है हमें अजीनोमोटो डालना है, सोया सॉस डालना है आधा चम्मच, और आधा चम्मच विनेगर डालना है, और इसको जो है अच्छे से मिलाना है। इसमें आधा चम्मच चाहे तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और स्वाद अनुसार नमक डालें। इसको मिलाकर जो है तेल में तलना है। तो आइए मैं बताता हूँ तलने के बाद कैसा हुआ। तो दोस्तों ये देखिए, हमारे चिकन पकोड़े जो है हमने इसको तल के निकाल लिए। अब हम बनाएंगे ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए हमें थोड़ा ऑयल चाहिए, तो हमने देखिए कढ़ाई में ऑयल डाला है। इसमें थोड़ा सा हम जो है अदरक डालेंगे, ये देखिए, थोड़ा लहसुन डालेंगे, थोड़ा सा ऑनियन डालेंगे इसमें, इसके बाद थोड़ा सा पत्ता गोभी डालेंगे, और शिमला मिर्च डालेंगे। तो हमें इसको तेज आंच में करना है।
तो तेज आंच पे जब ये हो जाए तो एक दो आप साबुत फ्रेंच भी डाल दीजिए हरी, इसके अलावा हमें इसमें डालना है स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च डालना है आधा चम्मच के आसपास और आधा चम्मच हमें अजीना मोटो डालना है। देखिए इसके बाद जो हमने पकौड़ा बनाया है इसको हम डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये हमारे ट्रिबल शेजवान के लिए हम बना रहे हैं इसको, तो थोड़ा सा ग्रेवी बनाएंगे इसमें। ग्रेवी बनाने के लिए हमें उससे पहले हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे, आधा चम्मच टमाटर सॉस डालेंगे आधा चम्मच, इसके अलावा हम थोड़े से विनेगर डालेंगे, तो थोड़ा सा उसमें शेजवान कटे वो भी डाल दें। फिर इसमें थोड़ा पानी डालेंगे हम, और इसे थोड़ा पकने देंगे। दोस्तों इसको थोड़ा गाढ़ा करने के लिए हमने ये देखिए इसमें मक्के का एक चम्मच आटा और एक चम्मच मैदा ये मिला लिया, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसको जितना हम गाढ़ा चाहते हैं उस हिसाब से, और इसको हिलाते रहना है लगातार ताकि एकदम जमे नहीं और पक भी जाए। तो दोस्तों ये तैयार हो गया है, अब हम इसे लेंगे जो हमने ट्रिबल शेजवान राइस बनाया उसके साथ लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए ये ट्रिपल शेजवान राइस तैयार हो गया है, इसमें नूडल चावल और ये चिकन पकौड़े हैं और इसमें एक आप आमलेट बना के डाल दीजिए ऊपर से और खाइए, बहुत मज़ा आएगा। सॉस है सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर, और साथ में आप जो है शेजवान सॉस लीजिए, चटनी लीजिए, इसके साथ खाइए। तो दोस्तों कैसा लगा ज़रूर आप मुझे बताइएगा। तो इसी के साथ अपने मित्र प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। शेजवान राइस के लिए जो है आपको क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ चलते चलते। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कप नूडल, एक कप राइस, और इसके अलावा हमें चाहिए एक शिमला मिर्च, थोड़ा सा पत्ता गोभी, आधा चम्मच अदरक कटा हुआ, आधा चम्मच लहसुन कटा हुआ, थोड़ा सा प्याज, इसके अलावा हमें चाहिए आधा चम्मच अजीनोमेटो, स्वाद अनुसार नमक चाहिए और आधा चम्मच जो है काली मिर्च चाहिए, उसका पाउडर चाहिए, इसके अलावा हमें चाहिए विनेगर चाहिए एक चम्मच, एक चम्मच हमें सोया सॉस चाहिए, एक चम्मच हमें टमाटर सॉस चाहिए, स्वाद अनुसार नमक चाहिए, इसके अलावा हमें चाहिए जो है इसमें जो है पकौड़े चाहिए, उसके लिए चिकन चाहिए हमें। तो हम इसका कैसे बनाए हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो उसको जो है बनाना है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें और भी एक चीज़ ऐड ज़रूर करें, वो है अंडा। अंडे का आप ऑमलेट बनाइए, उसमें कुछ मत डालिए, नमक वो कुछ मत डालिए, खाली उसको फेंटिए और उसको डाल के एक ऑमलेट बना लीजिए। और ऑमलेट को जो है आप जब आपका पूरा फाइनल टच हो जाए तब आप उसको ऑमलेट को उसके ऊपर रख दीजिएगा, और शेजवान सॉस डालना मत भूलिएगा, शेजवान सॉस ज़रूर डालिए तभी वो ट्रिपल शेजवान राइस बनेगा। तो खाइए और इन्जॉय कीजिए।